यहाँ से राजा महल का बोर्ड है, हम राजा महल के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर राजा रानी रहते थे, जितने भी राजा थे बुंदेलखंड के, राजा बुंदेलखंड में खड़े हैं वो सब राजा इस महल में रहते थे। सारे बुंदेलखंड के राजा थे यहाँ रहते थे। तो उस महल को स्टार्ट किया था राजा रुद्रप्रस्थ बुंदेला ने, पूरा नहीं हुआ था। बाद में दो लड़के थे भारती चंद और मरिको साहब बुंदेला, उस महल को बनाने लगे थे 60 ईयर। आप यहाँ दिखा दो, बोर्ड दिखा, बोर्ड दिखाओ, इस पर पूरा कुछ लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजा महल के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, किस सन में इसको बनाया गया। 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में बना हुआ है और इसमें बुंदेली शैली में चित्रित किए गए हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों और क्या देखने को मिलता है। ये राजा महल के अंदर जी, पूरा प्रसाद से अंदर आए मुख्य दरवाजे से, तो राजा का जो खास आदमी थे वो अंदर आ सकते थे। आप खास हो गए, राजा के मेहमान हो गए, राजा अपने मेहमान का स्वागत करें। यहाँ पर नृत्य के प्रोग्राम थे, देखा डांसिंग स्टेज, नृत्य का प्रोग्राम वहाँ पर होता था। देखिए दोस्तों, सामने आपको अच्छा खासा बड़ा स्टेज दिख रहा है, इस पर नृत्य और डांस के कार्यक्रम राजा के यहाँ पे होते थे। तो आप इसकी बनावट अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। और कोने में देखे लकड़ी के दरवाजे, वो रसोई का किचन, हाँ हाँ, तो वहाँ खाना बनता था। और यहाँ पर डाइनिंग हॉल था, खाना देने का स्थान, बीच वाले जो खम्भे, इसको बादरी भी बोलते हैं। राजा अगर देखेगा तो ऊपर वाली खुली खिड़की वहाँ से देखेगा, क्योंकि हाँ, राजा है, और रानी देखें जाली वाली खिड़की होती है। अच्छा, पर्दे की वजह से। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी पर्दे व्यवस्था हमारे धर्म में पहले से चली आ रही है, उसका यहाँ पर एक झांकी देखने को मिलती है कि रानियाँ कभी भी झरोके से ही देखा करती थी बाहर का नज़ारा जो भी रहे। तो आगे और जानते हैं भैया से। यहाँ पर दीवाने खास है, ये दीवाने खास जो उनके मंत्री थे, खास लोग होते थे, मिनिस्टर, विदेशों के राजदूत, व्यापारी वगैरह, उनके साथ मीटिंग यहाँ पर होती थी। तो ये अंदर बना प्राइवेट, इसको प्राइवेट मीटिंग हॉल भी कह सकते हैं, क्योंकि राजा नहीं चाहते थे आम आदमी यहाँ पर आए, तो आम आदमी के लिए बाहर कर दिया दीवाने हम, लेकिन जो खास लोग थे उनके साथ मीटिंग होती थी, दीवाने खास में यहाँ होती थी। इसका एक हिस्सा नीचे भी है, कभी बहुत गर्मी होगी तो नीचे भी मीटिंग ले सकते थे। तो देखिए दोस्तों, ऐसा भैया ने बताया कि दीवाने खास को और दीवाने आम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो दीवाने आम हमने अभी आपको बाहर दिखा रहे था, जहाँ पर राजा और मंत्री एक साथ बैठे करते थे, और ये दीवाने खास है जिसमें खासम खास जो राजा के मंत्री होते थे और राजा होता था, वो यहाँ पर मीटिंग किया करते थे। आप एक नीचे में 4 नंबर जो गेट देख रहे हैं दोस्तों, इसमें जैसे गर्मी का मौसम है या कोई और सिचुएशन है तो इसमें अलग से मीटिंग रखी जा सकती थी। तो आगे चलिए दोस्तों। मेहमान को यहीं पर रखते थे, इससे अंदर नहीं जाने देते थे, या तो मेहमान बाहर चला जाएगा या फिर नीचे 2 मंजिल और अभी महल, वहाँ भी कमरे, वहाँ चला जाएगा, अंदर आ जाएगा पर्सनल है खुद के। अच्छा, नीचे तलगारा हुई है, हाँ 2 मंजिल है अभी महल, अंदर आप जाएंगे तो बाहर आ जाएगा पर्सनल कोर्ट यार्ड है। तो इस तरह महल को 2 भागों डिवाइडेड किया गया, आउटर कोर्ट यार्ड, अंदर का पर्सनल। जी अभी हम महल के सबसे मतलब पूर्वी क्षेत्र में है ना, पूर्वी गेट पर शुरू जहाँ पे होता है, पहला वाला कोर्ट यार्ड, फर्स्ट कोर्ट यार्ड, आउटर कोर्ट यार्ड, मेहमान के साथ जो बना वहाँ पर है। अब हम अंदर जाएंगे, बंद कर दिया करो उतनी देर के लिए। दोस्तों ये दीवाने खास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर भी बहुत ही प्यारी पेंटिंग की गई है दोस्तों। ये सारा कलर 1501 ऊपर दिखा, हाँ। तो दोस्तों ये उस समय सब्जियों के कलर चलते थे, उन्हीं से बनाया हुआ है और इसकी अभी तक कोई भी मरम्मत नहीं की गई है। फिर भी देखिए दोस्तों, आप इसकी खूबसूरती को अपनी आँखों से देख सकते हैं, कितना सुंदर इसमें आपको चित्रकला देखने को मिलती है। जी पश्चिम डिजाइन के रूप में इसको जानते हैं, हाँ। दोस्तों उस साइड में जो तख्ता देख रहे हैं आप, वहाँ पे शायद राजा का तख्त होता होगा, या जो उनके जो खासम खास मंत्री हैं वो यहाँ पर बैठ के मंत्रण करते थे, बातें किया करते थे। और यहाँ पर दोस्तों आप बाहर ही, यहाँ पर दोस्तों ये आप सामने महल देख रहे हैं, वो सामने नृत्य कला का जो स्टेज है आपका, वो है डांसिंग स्टेज, और यहाँ से आपको बालकनी एक दी गई है जिससे पूरा आपका राजा से जी रानी जाली जी जी
वो देखिए सर, खुली खिड़की से राजा देखा करते थे इस पूरे महल को, और जाली वाली खिड़की से रानियां झांकी, मतलब देखा करती थी, नज़र रखती थी क्या ऐसा फिर। और जो हाथी घोड़े दिख रहे हैं, हाथी घोड़े एलिफेंट हॉर्सेस, तो हाथी पर राजा बैठा, हिंदू पेंटिंग है ये हिंदू पेंटिंग है। जो हाथी घोड़े दिख रहे हैं ये हिंदू हो गया है ना, हिंदू पेंटिंग्स, ऊपर की इस्लामिक पेंटिंग्स जी, ठीक है। ये उसी समय की 16वीं शताब्दी की कलियर की पेंटिंग हो गया। पानी फव्वारा, वाटर फाउंटेन, उस समय भी वाटर फाउंटेन के रूप में बनाया गया था। कर्टन पर्दा, उसको रस्सी से लाएंगे तो ठंडक फैलेगी पानी फब्बारे की, इस तरह का सिस्टम बनाया है। देखिए दोस्तों, महल को ठंडा रखने के लिए कितनी सुंदर व्यवस्था है, यहाँ पर पर्दे लटका दिए जाते हैं और फाउंटेन इस साइड चलता है, तो ठंडी हवा से ये पूरा महल ठंडा रहता है। और अच्छा करने के लिए फूल डाल देंगे, सेंट डाल देंगे इसमें, तो और अच्छी ठंडक और साथ में बढ़िया खुशबू फैलती रहेगी। ध्यान अच्छा, अब यहाँ पर एक सुरंग का रास्ता, सिक्के टनल सुना होगा, कई महलों में राजा लोग युद्ध के समय भागते थे, चुपचाप सुरंग से भाग जाना, तो आप एक असली रास्ता देख रहे हैं, गुप्त सुरंग। सिर बचाना, दीवालों पर देखिए, यहाँ तक ना आपको नीचे दिखेगा वो रास्ता, नीचे दिखा दो, ये देखिए दोस्तों सुरंग है नीचे की ओर जीने गए हुए हैं, ये सामने आपको दिख रहे हैं। चलिए आइए, ये बाहर निकलता होगा कहीं, तो राजा कभी युद्ध तो भागने के पहले से तैयार, नीचे नीचे जितने भी महल हैं बाहर के, चाहे वो रामाजा मंदिर हो, चरोज मंदिर हो, छतरियाँ हो, जहांगीर महल हो, तो राजा कहीं भी जा सकता था, ये उस समय उनके लिए ज़रूरी थी। लेकिन कोई राजा का पीछा करेगा तो राजा इसको भूल भुलैया बना देगा, आगे जाके वो अलग अलग रास्ते हो जाएंगे, तो उसमें भटक जाते हैं लोग। आजकल लोग खजाने चक्कर में आते, खजाना तो वापस नहीं आते। जो पहला किला था गढ़ कोनार का किला, फर्स्ट कैपिटल ऑफ बुंदेलखंड, वहाँ पूरी बरात गायब होगी, 60 लोग गायब। तो अब सरकार ने सभी जगह के महलों को बंद कर दिया, तो यहाँ भी बंद है, काफ़ी खजाने चक्कर में लोग अंदर गए और बाहर नहीं आए, कई महल में ऐसा हुआ है, तो यहाँ पर सरकार ने फिर यहाँ भी बंद कर दिया। नीचे तलघर होता था, जेल होता था, खजाना रखते थे, बहुत सारे यूज थे, लेकिन अब बंद है। जो गुप्त चीज़ें रखना है वो अंदर, इस समय बंद